मैं चेंज करना चाहती हूँ, तुम चले जाओगे प्लीज? क्या सोच रहे हो? तो उसने कर दिखाया। ना सिर्फ उसने चलकर और बोलकर बल्कि यहां आकर तुम्हें हैरान कर दिया। मुझे यकीन है तुम इनकार नहीं करोगे। तुम बाबा के इस राज से वाकिफ थी, अब वो अपने पैरों पे खड़ा है, जो चाहे बोल सकता है, अब वो मुख्तलिफ इंसान है और तुम्हारी तमन्ना तो पूरी हो गई। ये नजरें क्यों चुरा रही हो? तुमने इसी के लिए मुझसे शादी की थी। तुम जानती थी कि वो ठीक हो जाएगा और वापस यहां चला आएगा। वो तुम उसे वापस आता देखना चाहती थी, इसलिए अलग नहीं होना चाहती थी मुझसे। अच्छा है, कम से कम इनकार तो नहीं कर रही हो। अच्छा तो ये बताओ कि कब हाथ मिलाकर नदीम से मुझे और मेरी अम्मी को बर्बाद कर रही हो? तुम जीत गए, बहुत अच्छा खेल रचाया तुम लोगों ने। उस घर में रहने वाले परवानों की तरह हैं, और वो घर शमा की तरह, जो उस घर में रहेगा उसका अंजाम परवानों की तरह होगा। ठीक है, वैसे क्या बात है नदीम, आज कुछ अलग बातें नहीं कर रहे? चलो मैं समझने की कोशिश करती हूँ। वो घर एक जलती हुई आग की तरह है और तुम खुद को परवाना समझ रहे हो। तुम कैसा महसूस कर रहे हो नदीम? दरअसल मैं अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा हूं। उन लोगों को महसूस कर रहा हूं जो मुझे देखकर महसूस कर रहे थे। वो लोग, मैं वो हैरत महसूस कर रहा हूं जो जान की आंखों में मैंने देखी थी जब मैं आखिरी बार उसके सामने अपने पैरों पे खड़ा था। उस वक्त मैं एक 8 साल का बच्चा था जो उसके पीछे भाग रहा था ताकि वो अपने साथ उसे खिला सके। उसे मेरे साथ खेलना पसंद नहीं था, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद था। आज भी वो मुझे देखकर खुश नहीं हुआ होगा बिल्कुल, लेकिन मैं बहुत खुश हूं उसके साथ ये खेल खेल कर। वो अभी भी मेरे ही बारे में सोच रहा होगा, इतना यकीन है मुझे। और मैंने जान की मॉम की आंखों में एक खौफ सा महसूस किया, डरी हुई नजरों से देख रही थी मुझे, बिल्कुल वैसी जैसे बचपन में मैं उन्हें देखता था और खौफ आता था मुझे। आज उनकी हालत भी मेरी तरह ही होगी। सिर्फ जैमरे को समझ नहीं पाया। जिस दिन उसने मुझसे कहा था कि मुझे भी दूसरों की तरह तुम पर रहम आता है, तब से वो बात मेरे जहन में अटकी हुई है। ना जाने ऐसा क्यों कहा था। ठीक है,
आज रात जो भी हुआ उसके बाद क्या सोचा तुमने? अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं तैयार हूं घर वापस जाने के लिए। ठीक है, गुड नाइट। हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। तो आप तैयार हैं मम्मी? हाँ, सालों से हर दिन ये कोशिश की कि सच किसी के सामने नहीं आए। जो कुछ भी मैंने आज तक किया वो सिर्फ इसलिए कि ऐसी सुबह कभी नहीं आए। मगर मेरी बहुत कोशिशों के बावजूद वो दिन आज आ ही गया जिस जहन्नुम से तुम्हें बचाती रही उसका सामना अब हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अब सब खत्म, सब कुछ खत्म। तुम अपने घर अब कब जाओगे? तुम्हारा क्या इरादा है नदीम? जो उन्होंने मेरे साथ किया सूद समेत लौटाऊंगा। मैं रात को यहां पर क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी यहां पर? जैसे ही पता चला, कसम से मैं सारी रात सो नहीं सकी। या मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है ये दिन भी देखने को मिला। अब बस कीजिए, उसको खुशामदीद कहते हुए रो मत पड़िएगा। वैसे मैंने सोचा था ये दिन कभी देखने को नहीं मिलेगा। चलो मुझे दोबारा से बताओ, तुम क्या वो सच में अपने पैरों पर चलकर आया था? शहर वो नदीम ही था ना? जी, वो अपने पैरों पर चल रहा था और पूरे एतमाद के साथ, जैसे कि वो कभी व्हीलचेयर पे था ही नहीं। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो मैं घबरा गई। मुझे लगा ही नहीं जैसे मैंने उस शख्स को पहले कभी देखा है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। बाल बिल्कुल अलग बने हुए थे, वो मुझे बिल्कुल ही मुख्तलिफ इंसान लग रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उसे बिल्कुल पहचान नहीं पाती अगर बाहर कहीं देखा हो। मैं दुआ करती हूँ कि वो जल्द यहाँ आए और मैं उसे चलते हुए अपनी आंखों से देख सकूं। नौरीन आपा, बाकी काम मैं देख लूंगी, आप जाकर अपना मुंह धो लीजिए। शुक्रिया। इन्होंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया है अपना, मगर अपनी जगह ठीक है ये, क्योंकि मैं खुद बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पा रही हूँ। यही हाल है तुम्हारा भी, है ना? तुम्हारी आंखों से वाजे हो रहा है, आखिर हक बनता है तुम्हारा। नहीं, मेरा हक नहीं है अम्मी। क्या मतलब है तुम्हारा जेमरे? तुम ही तो इस जमीन पर नदीम के लिए फरिश्ता बनी हो। हम सब ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन तुमने अपनी नजरें उससे कभी हटाई ही नहीं। लड़ी उसके लिए, जद्दोजहद की, उसकी कीमत भी अदा की। खुदा का शुक्र है कि अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है।
आज से नदीम अपनी मुख्तलिफ जिंदगी गुजारेगा और तुम अपनी जिंदगी गुजारोगी। अब तुम्हें अपने शोहर के साथ खुशहाल जिंदगी नसीब होगी। आखिर मसला क्या है? तुम्हारी शादी के पहले दिन से देख रही हूं कि अजीब सी हो गई हो तुम, एकदम खोई खोई सी। क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में बात करना चाहोगी मुझसे? क्या हम दोनों माँ बेटी की तरह एक दूसरे से खुलकर अपने दिल की बात कर सकते हैं? मैं तुम्हारी माँ हूं, भरोसा करो, दिल खोल कर बताओ। टेलीफोन। पहले आप दादी से बात कर लें। मैंने कल रात से लेके अब तक उससे कई बार बात की है, वो एक ही बात पूछ रही है, यही कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन ये सब मुझे कैसे पता होगा? मैं नहीं जानती कि तुम्हारी बहन के साथ क्या होगा, बिल्कुल नहीं जानती। हालत कैसी है लड़की की? मर गई वो। उसे इस फाइल के मुताबिक ही सजा होगी। बारिश बहुत तेज हो रही थी कि मुझे लगा कि सिर्फ बैरन हिट हुआ है। वो मां बनने वाली थी। उठाओ फोन। कितनी बेशर्म, मैं फोन तक नहीं उठा रही। दादी माँ, दादी माँ बताइए ना, क्या वो वाकई खुद से चल रहा था? मेरा मतलब किसी तरह का सहारा या कोई लाठी। मैं बस ये जानना चाह रही थी कि आपको पूरा यकीन है कि वो नदीम ही था जो अपने पैरों पर चलकर आया? हाँ, कितनी दफा बताऊं कि खुद चल के आ रहा था? बार बार एक ही सवाल पूछे जा रही हो, जवाब दे देकर थक चुकी हूँ। आपने कहा कि नदीम बात कर रहा था, आपने क्या उसे बोलते हुए अपने कानों से सुना? दादी माँ, अकल घास चढ़ने चली गई है क्या? तुम्हारा शौहर ऐसा लग रहा था नई जिंदगी लेकर दोबारा पैदा हुआ है। तो नदीम ठीक हो गया, मतलब मेरी मौत है, ये क्या हो गया? क्या बड़बड़ाए जा रही हो किरण? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अगर कल रात तुम भी होती वहां, जो मैंने देखा वो तुम भी देख लेती। अकल काम छोड़ देती। खैर छोड़ो, कल नहीं देखा तो क्या हुआ, चलो आज खुद उसे देख लेना। क्या, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? किरण, क्या तुम अपने शोहर को खुशामदीद नहीं कहोगी? चलो उठो, चलते हैं वहां, देख क्या रही हो, चलो उठो। अच्छा, अगर वो ये भी कह दे कि मैं किरण को छोड़ रहा हूं तो वो गलत नहीं है, उसने बहुत कुछ सहा है। किरण अपने शोहर के सुलूक की मुस्तहिक है, मगर बच्चा वो अनकरीब मेरे पोते या पोती को इस दुनिया में लाकर माँ बन जाएगी। बच्चे का क्या कसूर है? उस छोटे बच्चे ने ऐसा क्या किया है जो उसके साथ ये हो रहा है? चलो, वो बस यहाँ पहुँचने ही वाला है, चलकर उसे खुशामदीद कहते हैं। नहीं अम्मी, अभी आप जाए, मैं आती हूँ। यानी देखें कितनी गंदगी है, मैं सब सफाई करके आती हूँ। ठीक है। आ गया नदीम। मेरा बेटा, देखो मेरी बहू खुशी के मारे रो पड़ी है कि वो वापस आ गया है। नदीम ने तो कमाल ही कर दिया ना, हमारी जिंदगी की डोरें तुम्हारे हाथों से लेकर
अपने हाथों में ले ली। कितने अफसोस की बात है, इनको अब समझ आएगा कि नदीम को हर दिन इन्हें अपने सामने देखकर कैसा महसूस होता था, जिसका सबको इंतजार था आ गया है वो। नदीम कराचाई, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितना हैंडसम है ये। राइमा, तुम जानती हो ना, ये ऐसी ही है। खुश आमदीद नदीम, कल रात तो हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, अब कर लेंगे बात। खुशामदीद नदीम, शुक्रिया। खुशामदीद, यहां हर एक एक ही बात दोहराया जा रहा है। हो सकता है कि तुम कुछ मुख्तलिफ बात करोगी। हाँ, खुशी हुई तुम्हें देखकर। आओ चलो अंदर चलते हैं, मैं इन लोगों से कहता हूं कि तुम्हारा सामान लेकर अंदर आ जाए। और हां, एक और चीज, ये क्या है, ये यहां क्यों है? ये किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए था ना। इसे कौन लेकर आया है? मैं, इसे मैं लेकर आया हूं। बेटा, अब इसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं और ना ही होगी। आप लोग इसे अंदर लेके जाएं प्लीज। ये हमेशा की तरह मेरे कमरे में ही रहेगी अंकल, और अगर अब आपकी इजाजत हो तो मैं अपने कमरे में जाना चाहता हूं, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं मैं। ठीक, शुक्रिया। नहीं अंकल, शुक्रिया, अब मैं ठीक हूं। ठीक है, डॉक्टर साहब आ गए हैं, उनको भी अंदर लेकर आ जाओ। किसकी बात हो रही है बाबा, क्या कोई मेहमान है? बिल्कुल, वो खातून खास मेहमान है हमारी। चलो आ जाए, सब अंदर चलते हैं। तुम आराम से अपनी कुर्सी पे बैठ जाओ। शाबाश। ज्यादा परेशान मत होना मेरे बेटे, ये तकलीफ तुम्हारे साथ ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है, समझे? मैं और सब तुम्हारे साथ हैं, और हम तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेंगे और तुम ठीक हो जाओगे।
एक लम्हे के लिए भी अपने आप को अकेला मत समझना, और ये मत भूलना कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा। ये नदीम की डॉक्टर है, इनकी मेहनत की वजह से नदीम ठीक हुआ है। जिसे जो पूछना है वो पूछ सकता है। मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी थेरेपीज शामिल थी नदीम के इलाज में, क्योंकि डॉक्टर्स भी बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने नदीम को ठीक कर दिया। मैं शहनाज हूँ, नदीम की आंटी। मैं यहाँ पर सबको जानती हूँ। थेरेपी के दौरान नदीम से आप लोगों के बारे में काफी बातें हुई हैं। मेरे बारे में कभी बात की नदीम ने आपसे? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन दूर दूर से, समझ रही हैं ना? माफ कीजिएगा, मैंने मदाखलत की, आप जारी रखें। माफ कीजिएगा, मेरी बेटी की मजाक करने की आदत है। वैसे मैं भी जानना चाहती हूँ हमारे बारे में क्या बातें की उसने। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ मामला आपका नहीं है। नदीम यहाँ अब किस तरह से रहेगा, बस यही बताने आई हूँ मैं। और इसीलिए नदीम की खातिर आप लोगों को भी एक नए इम्तिहान से गुजरना होगा। ऐसा क्यों कह रही हैं? वैसे सच कहूं तो इम्तिहान नाम से सख्त नफरत है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वैसे मुझे भी समझ में नहीं आया कि आपकी इस बात से क्या मतलब आपका। हाँ ना, बहुत ही स्वीट है वो। जैसा कि खामोश तबीयत है, वो तो बस अपने कमरे में ही रहता है। राइमा साहिबा, और आप सब लोग भी भूल जाइए उस पुराने नदीम को जिसे आप सब लोग जानते थे, क्योंकि अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है।
अब नदीम भी अपने आप को बेहतर तौर पर जानेगा। इस घर में कदम रखना उसकी नई जिंदगी का आगाज है। रोशनी की एक नई किरण जागी है उसमें। बस यूं समझिए कि नदीम को एक नई जिंदगी मिली है। इस दुनियावी जिंदगी के हिसाब से वो अभी भी एक छोटा सा बच्चा है। हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं जिसकी जिंदगी बचपन में ही कहीं ठहर गई थी। उसका बचपन, लड़कपन, जवानी और अब से पहले की सारी जिंदगी एक कमरे में कैद होकर रह गई थी। उसे बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता और ना ही वो अंदर की दुनिया से वाकिफ है। उसे नहीं पता कि रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जी जाती है, क्योंकि उसका ख्याल हमेशा से किसी और ने ही रखा है। लेकिन अब उसने खुद को जानना शुरू कर दिया है और अपनी जिंदगी को भी, वो जिंदगी जिसके बारे में उसे अब तक कुछ मालूम नहीं था। नदीम का सफर तवील है, तवील और दुश्वार। शाविस, तुमने बचाया था मुझे उस दिन। सब कुछ बता दूंगा तुरंत कि असल मुजरिम तो तुम हो। उन लोगों ने तो दोपहर का बताया था, लेकिन देख लेना हम नहीं पहुंच पाएंगे। सोचा था उसे दरवाजे पे खुशामदीद कहेंगे। गाड़ी रोकिए जरा। लेकिन क्यों किरण, पहले ही काफी देर हो चुकी है, तुम रोक तो नहीं, चलते रहो। आपको क्या मेरी बात समझ नहीं आ रही? गाड़ी रोक दीजिए प्लीज, ये लीजिए अपने पैसे और गाड़ी रोकिए। किरण, आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? मैं उस घर में नहीं जाऊंगी दादी माँ, मैं अब वहां नहीं जा सकती। आगा साहब मुझे उस घर में अब कदम भी नहीं रखने देंगे, मुझे फिर से धक्के मार के निकाल देंगे। सबके सामने वो एक बार फिर से मुझे रुसवा कर देंगे। मैं नहीं जाऊंगी। तुम आगा साहब से नहीं, अपने शोहर से खौफ सताओ। अगर यूं डरती रहोगी तो मसले कभी हल नहीं हो पाएंगे। जाते ही उसके कदमों में गिर जाना और गिड़गिड़ा के माफी मांग लेना उससे, वो जरूर माफ कर देगा। वो मुझे देखना भी नहीं चाहेगा दादी माँ, मुझे देखते ही उसे याद आ जाएगा जो कुछ भी मैंने उसके साथ अब तक किया है। जब मैंने उस पर तरस नहीं खाया दादी माँ, तो वो कैसे खा सकता है? उसे दी गई सारी अजियतें, उससे की गई नफरत, उसके साथ किया गया हर जुल्म वो कभी भी नहीं भुलाएगा दादी माँ। शायद आपके लिए ये सब बहुत आसान हो दादी माँ, लेकिन अब उस घर में जाना मेरे लिए मुश्किल। हाथ पे हाथ धरे बैठी रहोगी इस तरह से तुम? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो किरण, वो सब कुछ भूल जाएगा जब उसे पता चलेगा कि वो बाप बनने वाला है। यही तुम्हारा मजबूत हथियार है। अब चलो। नहीं किरण बेटा, मान लो मेरी बात, चलो चलो मेरे साथ वहां पर। हम ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसे ये तक नहीं मालूम कि उसे खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं। ताहम उसे पढ़ना बहुत पसंद है और जो तालीम उसने हासिल की। दरअसल बात यह है कि नदीम अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सका। जो भी तालीम उसने हासिल की थी वो घर में ही हासिल की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी और तबीयत के बिगड़ने के साथ साथ उसकी तालीम का सिलसिला भी खत्म हो गया। और यहां तबीयत बिगड़ने से मेरा मतलब उसके हाथ पांव नहीं, बल्कि उसकी दिमागी कैफियत, और उसने आहिस्ता आहिस्ता बोलना भी बंद कर दिया। बिल्कुल खामोश हो गया था, एक लफ्ज तक नहीं बोलता था। उससे पहले काफी जुबानें सीख रहा था मेरा बेटा।
वैसे मुझे तो लगता है कि नदीम को अलिफ पे भी नहीं आती होगी। उसे बहुत सारी चीजें सीखनी है, सबसे ज्यादा उसे जिंदगी के बारे में सीखना है, जैसे बातचीत करना, रोजमर्रा की चीजों को इस्तेमाल करना, मसलन मोबाइल फोन का इस्तेमाल। हाँ, इसमें मैं माहिर हूँ, यानी मैं भी सारा दिन स्मार्टफोन यूज करती हूँ, तो मैं सिखा दूंगी उसे, बेफिक्र हो जाए। नदीम की जिंदगी इस घर की चार दीवारी तक महदूद नहीं रहेगी, मतलब घर से बाहर निकलेगा, नए दोस्त बनाएगा और कुछ नए मशगले जो उसे पसंद हो। म्यूजिक, म्यूजिक बहुत पसंद है उसे। यानी उसके लिए अच्छा है म्यूजिक। माफ करना, लेकिन म्यूजिक इतना जरूरी नहीं है। इस वक्त नदीम की जिंदगी में म्यूजिक से ज्यादा जरूरी चीजें हैं, जैसा कि उसकी याददाश्त, उसकी गुजरी हुई जिंदगी, यानी जो जिंदगी उसने गुजारी है, क्या कुछ याद है उसे? ये सब जानना जरूरी है हमारे लिए। इसका शौहर वापस आ चुका है और तुम लोग अभी भी कह रहे हो कि ये अंदर नहीं जा सकती। क्या चाहते हो तुम लोग कि मैं यहाँ खड़े होकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दूं? क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? हमें आगा साहब ने मना किया है, प्लीज हमारी मुश्किल मत बढ़ाएं। अगर आगा साहब ने आप लोगों को यहाँ देख लिया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। जीहान जी, दादी। जीहान यहाँ देखो क्या सलूक हो रहा है हमारे साथ। आ जाओ बेटा, देखो तुम्हारी बहन और दादी के साथ कैसा सलूक हो रहा है। इन्होंने हमें दरवाजे पे खड़ा कर दिया और कहते हैं कि हम अंदर नहीं जा सकते। क्या भिखारी है हम लोग? ठीक है दादी, आप परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ उन लोगों से। जीहान, अपनी दादी को अंदर के हालात बताओ। हमें पता है हालात क्या है अंदर के, बस देखते जाओ तुम लोग, सब कैसे बर्बाद होता है। दादी, दरअसल अंदर सब डॉक्टर के साथ बैठे हुए हैं। चलें ऐसा करते हैं कि हम लोग बाहर बैठकर कहीं चाय पीते हैं, आ जाएं। तुम जाके खुद ही पी आओ, मैं चाय पीऊंगी जरूर, लेकिन वो भी अपने दामाद के साथ बैठकर। हटो सामने से, अंदर जाना उसे मना है, मैं तो अंदर जा सकती हूँ ना। दादी अंदर आ सकती हैं, ये कल शादी की तकरीब में भी मौजूद थी, इनका अंदर आना मना नहीं है भाई। ठीक है फिर आप जा सकती हैं। अपनी बहन का ख्याल रखना, 5 मिनट में तुम भी अंदर होगी। हटो सामने से। जीहान, मैं समझ सकती हूँ कि नदीम अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, इसलिए सब कुछ जानना जरूरी है हमारे लिए कि उसे अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में कितना याद है। क्या उसने अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में कोई भी बात की आपसे? आपकी इस बात का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप उसकी थेरेपिस्ट हैं और आप कुछ भी नहीं जानती। मसलन वो हादसा, उस हादसे के बारे में कभी बात नहीं हुई। वो एक भयानक हादसा था, और अगर उसे वो याद भी है तो मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो इस बारे में आप लोगों से कभी जिक्र नहीं करेगा। नदीम की याददाश्त में जो खला है उसको पुर करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो जिंदगी में कुछ नया और अहम सीखे, वरना आगे मसला हो सकता है। तूफान की रफ्तार से भागी चली आई हूँ मैं यहाँ, मेरे दामाद कहाँ है? आप क्यों आई हैं यहाँ पे निर्माण साहब? आप ये क्या कह रहे हैं? आगा साहब, मेरा दामाद लौट आया है, मैं उसी से मिलने आई हूँ। किरण भी आई है, कहाँ है वो? हाँ, मैं उसी की बात करने वाली थी। शायद जरूर कोई गलत फहमी हो गई होगी उसे, दरवाजे पे खड़ा आदमी उसे अंदर नहीं आने दे रहा, कह रहा है कि तुम्हारा अंदर जाना मना है, उसका शौहर लौट आया है, वो उससे मिलना चाहती है। देखे कितनी शर्म की बात है ना, वो उसे अंदर नहीं आने दे रहा। बिल्कुल ठीक किया उसने, उस लड़की का इस घर में आना मना है। सहर साहबा, आप अपनी सास को लेकर चाहिए। आगा साहब, माफी चाहती हूँ आपसे, मैं नदीम की बीवी से बात करना चाहती हूँ।